हिमाचल प्रदेश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के द्वारा दिए गए सुझावों को बिना कैबिनेट मंजूरी के ऊना प्रशासन के द्वारा लागू करने पर प्रदेश के स्टोन क्रशर यूनियन ने खुलकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। यूनियन के सदस्य व प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर की अगुवाई में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर से मुलाकात कर चुके हैं। यूनियन ने दोनों मंत्रियों के समक्ष अपनी बात भी रखी है। स्टोन क्रशर यूनियन का आरोप है कि प्रदेश सरकार उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर की अगुवाई में गैर कानूनी खनन कर रहे लोगों को बढ़ावा दे रही है और कानूनी रूप से खनन करने वालों को परेशान करने का काम कर रही है। यूनियन ने प्रदेश भर में 50,000 से अधिक लोगों को परोक्ष व अपरोक्ष रूप से रोजगार दिए जाने के साथ खुद को डेवलपमेंट इंडस्ट्री बताया है। यूनियन द्वारा प्रदेश सरकार पर उनसे सौतेला व्यवहार करने के भी आरोप लगाए हैं। स्टोन क्रशर यूनियन ने बिना वजह जुर्माना लगाने और कुछ अमान्य लोगों द्वारा उन्हें बिना वजह ब्लैकमेल किए जाने पर अपनी खुलकर आपत्ति भी व्यक्त की। यूनियन ने उनकी समस्याओं का निवारण नहीं होने पर पूरे प्रदेश में जल्द स्टोन क्रशर बंद किए जाने की चेतावनी भी दी। कैबिनेट मिनिस्टर से मिले हैं, क्या मामला क्या है? हम आज श्री हमारे यहाँ पे मंत्री जी आए, सुखराम चौधरी जी, उनसे मिले, वीरेंद्र कंवर जी से मिले। हमारा मैटर ये भी एनजीटी ने एक ऑर्डर पास किया था गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट देखे इसको रूल को पास करना है या नहीं करना है अपने स्टेट के हिसाब से, और इसका उल्ट करते हुए हमारे ऊना के डीसी साहब और एसपी साहब ने उन रूलों को पास कर दिया है। जबकि कोई भी निर्णय कैबिनेट लेती है, माइनिंग संबंधी हो कोई भी हो, वो डिसीजन गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे लेना था, इन्होंने अपने ही लेवल पे ले लिया। अगर इनको लगता है कि हम गलत हैं, इनको लगता है कि हम गलत करें तो हमें बंद कर दिया जाए, हम खुद ही बंद कर देते हैं। हम ये काम नहीं करते हैं, ये पंजाब से, राजस्थान से, कहीं से भी मंगवा लें बजरी। पर सबसे बड़ी ये बात ये है कि सरकार का मतलब 3.5-4 साल होने वाले हैं, डेवलपमेंट एंड में चली हुई है, और हम नहीं चाहते कि सरकार की किसी भी उस पर बदनामी हो। पर मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था और संबंधित विभागीय इंडस्ट्री मिनिस्टर जी ने भी हमें आश्वासन दिया था, पर मेरे को लगता है इंडस्ट्री मिनिस्टर जी भूल ही गए हैं हमारे काम को, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको इसके अंदर आके और हमारे को इस बीमारी से छुटकारा दिलाना चाहिए, हमें ब्लैकमेलिंग से छुटकारा दिलाना चाहिए। ये डेवलपमेंट इंडस्ट्री है, ना कि ये कोई चिट्टे वाले अफीम वाले नहीं है। हम जो हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, एनजीटी का कौन सा ऑर्डर है या कौन सा एनजीटी का ऑर्डर नहीं है। एनजीटी ने ऑर्डर नहीं निकाला, एनजीटी ने बोला भी सरकार चाहे तो करे, सरकार अपने लेवल पे करे। वो हमारे आईएएस और आईपीएस जी अधिकारी हैं जो उन्होंने अपने लेवल पे कर दिया, जबकि अगर ये अपने लेवल पे ये डिसीजन ले सकते हैं तो अपने लेवल पे हमें मैकेनिकल माइनिंग भी दे दे, वो तो इससे छोटा डिसीजन है। वो देश की तरक्की के लिए होगा, स्टेट की तरक्की के लिए होगा। हम वही पूछ रहे हैं कि एनजीटी का वो कौन सा निर्णय, एनजीटी ने बोला है कि इनको फाइन लगाया जाए जो इलीगल करता है। हम इलीगल तो कर ही ले, हमारी माइनिंग रिपोर्ट्स देखो, हमारे माइनिंग प्लान देखो, हम उससे बाहर नहीं गए हैं, फिर भी इन्होंने इतनी सख्ताई कर दी तो हम इस इंडस्ट्री को बंद कर देंगे और दोबारा हम चलाएंगे ही नहीं। ये पंजाब से मंगा ले, अभी भी रेता बजरी का रेट इसलिए बढ़ गया है क्योंकि इन्होंने इतनी ज़्यादा सख्ताई कर दी है कि लीगल लोगों को परेशानी हो रही है। इलीगल वाले अपने टेंट उठा के भाग गए हैं, वो तभी आएंगे जब उनको मतलब चोरी करनी होगी। हम तो रेगुलर बंदे हैं, एक एक ग्राउंड पे दो दो तीन तीन चार चार करोड़ रुपये लगा के बैठे हैं, आठ आठ दस दस गाड़ियाँ रख के बैठे हैं। सरकार किसी भी स्टेट की सरकार माइनिंग का साथ देती है, लीगल माइनिंग का। हिमाचल सरकार ऐसी है जो इलीगल का साथ दे रही है, लीगल को लक्कड़ दे रही है और बहुत ज्यादा परेशान। हम बंद कर देंगे, हम नहीं चलाएंगे क्रेशर उसके बाद। फिर हम मीटिंग करने वाले हैं जल्दी, और ये अगर सरकार को लगता है हम गलत हैं तो इसकी कॉरपोरेशन बनाए, हम अपने क्रेशर सरकार का हैंडओवर कर देते हैं। कुछ बचता है तो हमें दे दे, नहीं बचता तो सरकार के खाते में डाल दे। पर हम इसमें काम नहीं कर सकते, हम कोई चिट्टे वाले नहीं है, हम कोई अफीम वाले नहीं है, हम तो डेवलपमेंट के लिए रोजगार दे रहे हैं। हम तो इतने लोग क्रेशर उसके बाद फिर हम मीटिंग करने वाले हैं जल्दी, और ये अगर सरकार को लगता है हम गलत हैं तो इसकी कॉरपोरेशन बनाए, हम अपने क्रेशर सरकार का हैंडओवर कर देते हैं। कुछ बचता है तो हमें दे दे, नहीं बचता तो सरकार के खाते में डाल दे। पर हम इसमें काम नहीं कर सकते, हम कोई चिट्टे वाले नहीं हैं, हम कोई अफीम वाले नहीं हैं, हम तो डेवलपमेंट के लिए हैं, रोजगार दे रहे हैं। हम तो इतने लोगों को रोजगार है, मैं बोलूँ तो कम से कम 50,000 तीन चार डिस्ट्रिक्टों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है इसमें। तो ये इस सरकार को कोई चेतावनी दी गई, कोई समय सरकार को हमने बहुत बार देख लिया बोल के, इवन मंत्री जी को सैकड़ों फोन कर लिए, वो बोलते हैं हो जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हो, ऐसे थोड़ा होता है जी, हम अपने काम बंद कर देते हैं जी।
अगर ये फूड पार्क लाना चाहते हैं, ये ड्रग पार्क लाना चाहते हैं, अभी आईटी पार्क लाने की बात है, एक 5,000 करोड़ का नालागढ़ का एमओयू है, पता नहीं किसका हुआ, किस बेस पे कर रहे हैं, ये कहाँ से करेंगे? ब्लैकमेलर, जो ब्लैकमेलर एक बाइक लेके फेसबुक की आईडी चलाते हैं, सिर्फ फेसबुक की, कोई चैनल नहीं है उनके पास, वो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, हमने वीडियो बना ली है, अब बताओ क्या करना, कितने सौदा करना, आप बताओ पे हम सौदा किसकी वजह से हो रहा, हमारा सरकार की पॉलिसी, गलत पॉलिसी की वजह से, कोई प्रेस नहीं है वो, अगर वो प्रेस हो तो हम भी, हम सुने पे प्रेस को हम अपनी रिक्वेस्ट करें, पंजाब केसरी हो, दिव्य हिमाचल हो, या नेशनल लाइज का कोई भी लोकल चैनल भी हो, मान लो डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी चैनल हो, सिर्फ फेसबुक वालों की बातें सुन रहे हैं, आप बताओ हम क्या करें, हमारे पास एक ही ऑप्शन, हम बंद कर देते हैं, सरकार इसका कॉरपोरेशन बना ले, मैं नहीं बोलता हूं, हम ऊना वाले 22-23 क्रेशर हैं, जो मैं लिख के देता हूं, सारे मेरे साथ हैं, हम क्रेशर गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देते हैं, ये चला ले, अगर कुछ बचता तो हमें दे दे, और मैं तो बोलता हूं IAS और IPS से चलवाए, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चला सकते हैं, उनके पास टीम है, बटाली नबेली बैठी है, 18-18, 20-20 बंदे और सारे पढ़े लिखे, हमारे पास दोनों पर स्टाफ भी रखा हुआ हमने, मिनिस्टर साहब से आज मिले, क्या उन्होंने आश्वासन, हमें सुखराम जी ने और वीरेंद्र कंवर जी ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया, उन्होंने बोला पे हम 4 तारीख को CM साहब से एक बार दोबारा बात करते हैं, अगर उसमें बात सफल नहीं होती तो आप जो आपको ठीक लगे